सामने जो आप प्लान देख पा रहे हो ये डिस्पैच के लिए रेडी हो रहा है। आज का डिस्पैच है, आज है 5 मई। एक कस्टमर का जा रहा है 5 अराबिका गैप्टेड प्लांट। ये जो आप देख पा रहे हो सामने ये डबल गैप्टेड एडेनियम है, मतलब कि डबल प्लांट का गैप्टेड है। इसका कोडेक्स आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया कोडेक्स है। इसका कोडेक्स आप देखिए, 1-2 इंच का कोडेक्स जो है वो है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लुक आएंगे 1-2 साल के बाद। और ये जो आप देख पा रहे हो ये गैप्टेड प्लांट है, सभी कोई जानते हैं गैप्टेड प्लांट। जो लोग नए आए हैं तो उस लोगों पे बताना चाहता हूँ, एडेनियम गैप्टेड प्लांट बहुत ही ज़्यादा रोज़ की तरह लगता है, मतलब कि जो फूल खिलता है रोज़ की तरह होता है। इसका प्लांट का बेनिफिट जो है वो यही रहता है कि आप वाटरिंग नहीं दीजिएगा 1 वीक तक तो प्लांट जो है वो नहीं डैमेज होगा, बट थोड़ा सा कोडेक्स जो है वो सूख जाएगा। उस केस में आप वाटरिंग जब भी दीजिएगा 2-3 दिन के बाद कोडेक्स जो है वो नॉर्मल शेप में जो है वो आ जाएंगे। तो ऐसा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है जो लोग बाहर जाते हैं, जो लोग केयरिंग नहीं करना चाहते और फर्टिलाइज़र वगैरह ज़्यादा नहीं लगता है। और ये आप प्लांट आप ले लोगे और ये आप प्लांट आप ले लोगे तो 30 साल तक आपका कोई भी प्लांट 30 साल तक चल जाएंगे। इस प्लांट का फूल जो है वो 2 महीना छोड़ के बाकी समय हर एक समय जो है फूल खिलता है, इसलिए बहुत कोई पसंद करता है। डुअल गैप्टेड का फायदा ही रहता है, देखने में बॉन्साई लुक जो है वो आ जाता है, ऊपर प्लांट और नीचे भी प्लांट और भी गैप्टेड हो सकता है, मैंने किया नहीं है। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगेंगे लुक जो है वो आएंगे 1-2 साल के बाद। और गैप्टेड प्लांट का भी लुक जो है वो 1-2 साल के बाद ही आता है, मतलब कि अभी तो छोटा है, 1-2 साल के बाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा बॉन्साई लुक जो है वो आ जाता है। आप देखिए कोडेक्स इसका गैप्टेड प्लांट का। ऑर्डर करना चाहते हो तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उसमें कांटेक्ट कर सकते हो, सारा कुछ डिटेल में बता दूंगा किस तरीके से बाय वगैरह करना है। आप प्लांट देखिए, बहुत कोई सवाल करते हैं सर सीओडी अवेलेबल है कि नहीं, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ सीओडी पे मैं प्लांट जो है वो नहीं देता, क्योंकि रीज़न नहीं है, प्लांट आरटीओ हो जाता है, मतलब कि रिटर्न आता है, प्लांट जो है वो डैमेज हो जाएगा, डिलीवरी चार्ज जो है वो दोबारा लग जाएगा, इसीलिए सीओडी जो है वो हर कोई नहीं देता है, मैं भी नहीं देता हूँ सीओडी। सीओडी पे लॉस है बहुत ही ज़्यादा प्लांट से रिलेटिंग, अदर्स कोई प्रोडक्ट रहता तो सीओडी में कोई दिक्कत नहीं होता, बट प्लांट जो है वो डैमेज होगा सीओर रिटर्न आता है तो। इसीलिए आप लोगों पे निवेदन है, जो लोग प्रीपेड में परचेस कर रहे हो तो वो लोग भी केयरफुल रहिए, जब आउट फॉर डिलीवरी होगा पार्सल तब रिसीव कर लीजिएगा, क्योंकि प्लांट आरटीओ होता है तो दान दोनों का ही है, इसीलिए थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। और मैं हमेशा अपडेट करता रहता हूँ कस्टमर को ताकि पार्सल जो है वो मिस ना हो रिसीव करने से। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, सबका पैकिंग का वीडियो मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत ही ज़्यादा काम है, इसीलिए चलिए बहुत कोई और भी वीडियो मेरा है पैकिंग का, देख लीजिएगा किस तरीके से पैकिंग वगैरह होता है। चलिए धन्यवाद सभी को वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।